हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सड़क दुर्घटनाओं के मामले पर सख्ती दिखाई है। उन्होंने कहा कि अब सड़क पर चलते चलते लेन बदलने वालों की खैर नहीं, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंबाला दिल्ली हाईवे पर अब कैमरे भी लगा दिए गए हैं, गलती करने वाले का नंबर देखकर उनका चालान किया जाएगा। इसके साथ ही विज ने 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल वोटों के बारे में नफा और नुकसान देखती है। ये जो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, इनमें ज्यादातर एक्सीडेंट जो लेन चेंज करते हैं उसकी वजह से होते हैं। तो हमने सख्ती की है कि भी अपनी लेन में चलो और जो लेन चेंज करेगा उसके ऊपर जुर्माना लगाएंगे। और हमने यहाँ से दिल्ली तक कैमरे भी लगवा दिए, वो अपने आप भी नंबर देख के चालान किया करेंगे। तो हम इस मामले में सख्ती कर रहे हैं। साल में लगभग 6,000 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और वो एक्सीडेंट इस नलायकी की वजह से होता है कि अपनी लेन में ना चलाकर एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ लगाना, उसमें नुकसान होता है। उसको हम इजाजत नहीं देंगे, सख्ती करेंगे। हमारा जाना या ना जाने का फैसला है धार्मिक, हमारी धार्मिक भावना। और कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने निर्णय जो लिया है वो है राजनीतिक, दोनों में अंतर है। वो गिनते हैं वोटें कि वोटों का क्या फायदा नुकसान होगा। हमारी है श्रद्धा, हमारी है आस्था, हमारा है विश्वास।